हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, एक कटिंग है। कटिंग क्या, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ हलवाई के यहाँ सामान आने, बेसन लाने गए थे। तो वहीं रास्ते में ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा था, तो वो लोग सब उखाड़ दिए हैं। और है क्योंकि ये बल्ब से होता है प्लांट ना, इसमें ये रात को खिलता है ये प्लांट, तो काला काला जो बीज होता है इसमें। एक बार हम लगाए थे, बहुत फ्लावरिंग हो रही थी, गुलाबी कलर का था, तो सूख गया मेरा। उसके बाद हम इतना लगा रहे हैं, मेरा लग नहीं रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा जड़ है दोस्तों, 3-4 डंडी लाए हैं, सुबह से रखे हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा पेंटिंग का काम बाकी था, तो पेंटर आए थे तो वही कर रहे थे। और एक लड़का और आया था दोस्तों, उसके मम्मी पापा निकाल दिए हैं घर से। मम्मी तो उसकी ख़त्म हो गई है दोस्त, ख़त्म नहीं, उसकी मम्मी को उसके पापा जैसे छोड़ दिए हैं। उसकी मम्मी कहीं चली गई हैं दूसरे जगह, और दूसरी मम्मी आई थी तो वो भी चली गई। उसके पापा की जैसे आदत सही नहीं है, तो बेचारा खाना वाना बनाता है खुद से, खाना खुद से बनाता है। और वही लेबराना हुआ, कोई काम कोई दे दिया, काम कर लिया, वही पैसा जो रहता है उसी से अपना तबीयत वबीयत ख़राब रहता है, उसका दवा ववा भी उसी से करता है, उसी से अपना राशन वासन लाता है, बनाता है। सोच लीजिए, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया है कि हम लोग और गलत संग में भी पड़ गया है। जैसे गांजा वांजा लोग जहाँ पीते हैं वहीं पर अपना खाना ये बनाता है, तो इसका भी आदत ख़राब हो गया है, वो भी थोड़ा थोड़ा गांजा पीने लगा है। तो आज वही आया था हमारे घर, तो थोड़ा काम वाम करवाए हैं, खाना भी खिलाए हैं उसको, और 50 रुपया उसको दे दिए हैं खर्चा के लिए। हम चाहते हैं कि हम उसको खाना खिलाएं और अपना जो छोटा मोटा काम है उससे काम करवाएं, और उसको यहीं पर हम बिजी रखें। और उसे हम बहुत समझाएँ कि गांजा वांजा मत पिया करो, अभी से उसका दाँत वात थोड़ा ख़राब हुआ हो रहा है, अभी उसके आगे समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और काम अच्छा करेगा तभी सब पूछेंगे उसको। आज हम थोड़ा सा काम करवाए हैं अपना, चलिए दिखाएं उससे जो काम करवाए हैं, कल हम आप लोगों से मिलवाएंगे उससे। वो इंस्टाग्राम पे अपना बनाता है, वीडियो वीडियो भी बनाता है। देखिए ये मेरा पेंट की बाल्टी है, इसी में नीचे काटन का कपड़ा बिछवा के फिर उसके बाद घास वास रखवाए हैं उसी से, फिर मिट्टी रखवाए हैं, फिर उसमें हम अभी को बालू मिलाए हैं मिट्टी में, और वही एक प्लांट इसमें अभी लगाएंगे और प्लांट पानी में रखे रहेंगे, कल लगाएंगे। डब्बा हमारे पास ये वाला डब्बा है बहुत दोस्तों, यही काट काट के इसी में लगाएंगे। अब हमें तो उतना टाइम रहता नहीं पेंटिंग वेंटिंग करने का, अगर वो रहेगा तो उसी से पेंटिंग वेंटिंग करवा देंगे। हमारे यहाँ पेंट वेंट बचा है, ये देखिए इतना वेस्ट निकला है। कह रहा था कैसे खाद बनाएंगी इसका बड़ी मम्मी, तो हम कहें चलो कल बताएंगे तुमको हम कैसे इसका खाद बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा वो गार्डनिंग का काम भी सीखिएगा इसी में। अब सोच लीजिए, इंसान एक एक लोग हैं जो कमाते हैं और कमाई बस यही नशा पत्ती करके उड़ा देते हैं, कोई सही मार्ग दिखाने वाला उनका नहीं मिलता। मेन माता पिता रहते हैं, जब माता पिता नहीं हैं तो छोड़ दिए हैं उसको, अगर तो लड़का कहाँ जाएगा, आप सोच लीजिए। बहुत मेहनती भी है, अच्छा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज हम वीडियो पे ज़्यादा आप लोगों के आ नहीं पाए, कमेंट वमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाए। और देखिए गेहूं धोने को था, आज ही हम गेहूं उससे निकलवाए हैं। हम कहें गेहूं धुल के जब आटा वाटा पिसवाएंगे दोस्तों तो उसे आटा भी दे देंगे। वैसे तो हम सोच रहे हैं उसको हम खाना ही खिलाएं, क्योंकि खाना बनाते हैं तो मेरा खाना बचता ज़रूर है, तो कोई खा लेगा तो अच्छी बात है। अब सोचिए गैस भराता है फिर खाना बनाता है अकेले के लिए, एकदम कितना टिटिम्मा बेचारा करता है। और मेरा काम भी हो जाएगा कुछ इधर उधर वाला,
हमारे यहाँ जैसे कि ज़रूरत भी रहता है ना काम उम करने का, एक लोग तो माँजने आती हैं अपना, बस माँज के चली जाएंगी और कोई फालतू काम वो नहीं करती। और पतली दुबली है भी उनका, अभी 2-3 लड़की हैं उनके पास, एक हुई है, 3 पहले की हैं, तो कितना किसी से आप काम कराएंगे। दया भी लगता है ना, तो जितना इंसान के अंदर शरीर में दम रहेगा उतना ही आप दूसरों से काम कराएंगे उसका हालत देखकर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम नहाए नहीं हैं दोस्तों, जा रहे हैं नहाने। एक बार हम गए थे डॉक्टर के यहाँ जब मेरे पैर में सूजन हो गया था, तो हम डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब आपकी पत्नी क्या करती हैं? तो वो बोले, वो भी डॉक्टर हैं, वो बनारस रहती हैं। तो हम बोले, घर आप कब जाते हैं? कहें कि जब टाइम मिल जाता है तो चले जाते हैं, जैसे कभी 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, कभी कभी भोर हो जाता है घर जाने में। अब सोच लीजिए इंसान, ये सब लोग काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो लोग भी नहाना खाना सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह से हमको भी काम के आगे हमें भी कोई चिंता नहीं रहता, देर भी हो जाता है नहाने में, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमारा काम हो रहा है, चाहे धीरे धीरे भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो तो रहा है ना। सच बात कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। ठीक है दोस्तों।